सुशील कुमार अध्यारू आज मेहमान खसूसी बनकर आए हैं राष्ट्रीय महासचिव। हम सीधे तौर पर बात करते हैं कि आज आप यहाँ पधारे और इंदौर में और यहाँ के लोगों में और ये प्रोग्राम में कैसा महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मेरे परिचय देता हूँ। सुरेश सिंह सोनगरा राष्ट्रपुत्र हूँ, राजपूत कुल में जन्मा, मुझे गर्व होता है। राष्ट्रपुत्र का मतलब होता है सारी समाज उसमें समा जाती है और सारी समाज में वो समा जाते हैं। तो हमारे इस किसी धर्म या प्रति की बात नहीं करते हुए मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारा राष्ट्र के प्रति जब भी बात आती है या भी ऐसे प्रोग्राम की बात आती है, बाबा साहब की बात आती है, देखो हमें हर सिर्फ एक एक अकेला सनातन धर्म ऐसा है जो सब धर्मों का सम्मान करता है और करना भी चाहिए। और मुझे तो गर्व होता है कि मेरा नाम ही सुरेश सिंह सोनगरा राष्ट्रपुत्र लिखता हूँ, जो पूरे राष्ट्र के प्रति बलिदान देने के लिए हम एनी टाइम रेडी रहते हैं। बट अभी इसी कड़ी के दर कड़ी चल रही है और मुझे यहाँ जीतू बाबा ने और सभी ने याद किया। मेरा जीवन सभी को देखकर तृप्त हो गया, बाबा साहब का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मुझे भी धन्य और मीडिया वालों को भी इतने कहना चाहूँगा कि राष्ट्र के हित में ही हो वही मीडिया होती है और सबसे बड़ी बात होती है। आपने हमारे दिल के तारों को छू लिया, मैं हम भी आपके इस तारों को छू लें। फिर जहाँ तक बात की जाए कि आप राष्ट्रीय और देश के लिए समर्पित होते हैं, वहीं करणी सेना ने कुछ दिन पूर्व जो नंगा नाच करा, तो सीएम को गालियां बकी और आप जैसे एक सभ्य और इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं जो नीचे लोग बैठे हुए हैं और अपनी करणी सेना को क्या बदनाम नहीं कर रहे? देखिए, आपने सब भी बात की है कि करणी सेना ने नंगा नाच किया, तो मैं आपसे निम्र निवेदन करना चाहूँगा कि करणी सेना माँ ने लगाए उसका एक ही कारण है, वो हमारी माँ है। और जो नंगा नाच करते हैं वो क्षत्रिय और राजपूत वो करणी सेना नहीं हो सकती और ना कभी होती है। और यदि हुआ है, मुझे पता है, हमने उनका विरोध भी किया है और हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष भोगा मेडी जी ने तत्काल सभी को प्रभाव से बाहर किया है। सुनगरा जी, ऐसा लगता है आप बात कम और झगड़ा ज्यादा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजपूतों का खून तो खैर नजरों से दिखता है मगर कहीं ना कहीं नरमी भी तो सही मायने में देश को प्रदेश को संदेश देती है? मैं सॉफ्ट दिल से एक ही बात कहना चाहूंगा, जितने भी मेरे बड़े यहाँ सुन रहे हैं उनके पितर और देवी देवता और उनके माँ बाप के चरणों में नमन करता हूँ। अब झगड़ा की बात ऐसी रख दी अपने में, ऐसा मेरे एटीट्यूड